गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो बेसिकली बात करें रेगुलर एक्सप्रेशन की तो होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, ए रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स दैट फॉर्म्स ए सर्च पैटर्न्स। ठीक है, मतलब आपको कुछ करेक्टर्स सर्च करने हैं, कोई पैटर्न के हिसाब से आपको कोई करेक्टर होता है वो सर्च करना है, तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, सिंपल हम जावास्क्रिप्ट की तरफ से हेल्प से कैसे इसको सर्च कर सकते हैं, और फिर देखेंगे हम रेगुलर एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से किसी भी करेक्टर को कैसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले सिंपल देखते हैं। एक काम करता हूँ, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर चलना पड़ेगा मुझे, और इसके अंदर जाके मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ str। ठीक है, इक्वल टू जैसे दिस इज द कूल डे। परफेक्टली, मैंने इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल और लूँगा जिसको नाम मैं दूँगा जैसे fnd कुछ भी। ठीक है, इक्वल टू इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो मेरा str है डॉट, इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, सर्च करना चाहता हूँ। सर्च क्या, इसके अंदर मैं टाइप सर्च करना चाहता हूँ कूल। सिंपल, मैं इसके अंदर कूल टाइप कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा और इसके अंदर मैं fnd टाइप करूँगा। परफेक्टली, ऑलराइट, इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। नाउ मैं कॉपी पाथ करूँगा। ठीक है, और अभी मैं Ctrl+V करूँगा और इसके अंदर जाके मैं कंसोल पे चलूँगा और देखूँगा मेरा वो ये जो मैंने सर्च किया है ये वाला कूल कितने नंबर्स पे वो प्रिंट हो रहा है। 12 नंबर्स पे वो प्रिंट हो रहा है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं यार, वो 12 नंबर पर ही है। मेरा जो कूल है जैसे 1 2 3 4 5, एक स्पेस भी है 6 7 8 9 10 11 और 12 पे वो क्या है, कूल मेरा प्रिंट हो रहा है। परफेक्टली, तो ऐसे भी हम सर्च कर सकते हैं। लेकिन यार रेगुलर एक्सप्रेशन की बात आती है तो वहाँ पर हम कैसे स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने कुछ करना नहीं है, सिंपल मेरा फंडा यही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन की बात आती है तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके इसको एक इसका एक पैटर्न बना देते हैं। सिंपल, इसका सिंटेक्स गाइस ये होता है कि आपको पैटर्न लिखना है और इसका मॉडिफिकेशन होता है, जो जिसका मॉडिफायर होता है वो आपको लिखना है। तो जो मेरा पैटर्न होगा मैं पैटर्न बना दूंगा, तो फिर मुझे वो सर्च करने में इजी हो जाएगा। जो भी मेरा एक कूल है, सिंपल ये वाला कूल, ठीक है, वन सेकंड, ये वाला कूल है मेरा, इसको मैं एक पैटर्न के अंदर लिख दूंगा और यहाँ पर टाइप कर दूंगा कूल। परफेक्टली, मैंने यहाँ पर क्या टाइप कर दिया, कूल लिख दिया। ऑलराइट, तो अभी आप देख सकते हैं वो 12 प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे भी गाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यार किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस कैसे करते हैं, तो रिप्लेस भी काफ़ी इजी है अगर आप अपने हिसाब से, मतलब विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए अगर आप स्ट्रिंग को रिप्लेस करते हैं तो भी आप जावास्क्रिप्ट के हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन से करना है, पहले मैं काम करता हूँ आपको इजीली, मतलब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आपको रिप्लेस करके दिखाता हूँ। आई विल राइट अगेन वेयर str, ठीक है, इक्वल टू जैसे मैंने टाइप कर दिया एक्सीलेंट, कुछ मैंने स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया मान लो, कोड विद एज। परफेक्टली, अब मैं ये चाहता हूँ एक वेयर रेस, ठीक है, इक्वल टू जो मेरा str है डॉट, ठीक है, इसके अंदर मैं कह सकता हूँ रिप्लेस हो जाए कोर, क्या जो मेरा रिप्लेस, ये जो मेरा जो भी मैंने स्पेलिंग इसके अंदर रॉन्ग लिखी है xcln, ठीक है, और इसको मैं रिप्लेस करना चाहूँगा xc, ठीक है, वन सेकेंड, वो एक स्ट्रिंग है तो मुझे कोड्स के अंदर वो लिखनी पड़ेगी xcln कोड विद एज। परफेक्टली, इतना मेरा काम कंप्लीट हुआ। आई विल राइट अगेन, मैं कंसोल कर दूंगा इसको console.log, एंड जो मैं इसको रेस टाइप कर दूंगा। परफेक्टली, अब मेरा अभी मुझे क्या दिखेगा, मैं काम करता हूँ, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग दोनों कर देता हूँ, इसको भी मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा जो मेरा str है, और इसको भी मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा। परफेक्टली,
तो मुझे यहाँ पे आउटपुट के अंदर क्या मिलने वाला, देखिए एक्सीलेंट कोड विद, जो मिस स्पेलिंग थी अभी मैंने इसको चेंज करके क्या कर दिया, एक्सीलेंट कोड विद एजे, कोड विद एजे, ठीक है आप देख सकते हैं वो प्रॉपरली हो चुका है, ठीक है। और राइट गाइज, मैंने इतना कुछ करना नहीं था, मुझे एक्सीलेंट लिखना था सिंपल, तो ठीक है एक्सीलेंट कोड विद एजे, और ये मेरा स्पेलिंग रॉन्ग थी, इसको मैंने रिप्लेस करके इसको अच्छे से कर दिया, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि इसको रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से इसको कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इसको हम कैसे कर सकते हैं देखिए। तो अभी मुझे वो क्या करना है, रिप्लेस करना है विद रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से, मैं कैसे करता हूँ देखिए, मुझे पहले पैटर्न डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो पैटर्न के अंदर जो भी मेरा कंटेंट है, जो मैंने रॉन्ग कर दिया वहाँ पे, उसको मैं टाइप कर लेता हूँ अगेन, ठीक है उसको मैं अगेन अच्छे से टाइप कर लेता हूँ इसके अंदर, स्लैश के अंदर XCLN, ठीक है। और एक मॉडिफायर होता है जिसको मैं बोलूँगा आई, इसके बारे में बात करेंगे आगे थोड़ी देर में, ठीक है। अभी क्या कर दो, ठीक है इसके अंदर जाके जो मेरा एक्सीलेंट है उसको मैं डिज़ाइनिंग करना है, तो ठीक है वो हो जाएगा। आप देख सकते हैं आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, विद रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से इसको डिज़ाइन कर दिया। तो गाइस ऐसे आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करके कुछ कर सकते हैं। अब भी बात कर लेते हैं यार कुछ इसके मॉडिफायर्स के बारे में। तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं और मॉडिफायर्स हम रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कैसे यूज में ले सकते हैं। तो पहले आई होता है, तो आई क्या होता है देखिए, ये क्या करता है केस जो हमारे इंसेंसिटिव मैचिंग होती है उसको ये परफॉर्म करता है, ठीक है। मतलब ये कुछ करेक्टर्स को, ठीक है अगर आप बात करें जी की, तो ये क्या करता है ग्लोबल मैचिंग, फाइंड ऑल मैच रेदर देन स्टॉपिंग आफ्टर द फर्स्ट मैच, ठीक है। इसका एक आउटपुट देख लेते हैं और फिर हम बात करते हैं इस पर ये क्या करता है। देखिए मैं करता क्या हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं एक फंक्शन भी डिफाइन कर सकता हूँ, वैसे तो कुछ नहीं है ऐसा, एक मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ या फिर मैं फंक्शन डिफाइन नहीं करता हूँ, एक मैं क्या करता हूँ सिंपल एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं str स्ट्रिंग के अंदर, जैसे कुछ टाइप कर देता हूँ दिस इज द कूल डे एंड दिस इज द गुड डे, मैं ऐसे ही कुछ स्ट्रिंग टाइप कर रहा हूँ गुड डे, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले देखिए मैं एक वेरिएबल करके एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं पैटर्न या फिर पैटर्न कुछ भी स्पेलिंग आप, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ ठीक है, इसके अंदर मैं पैटर्न डिज़ाइन कर लेता हूँ सबसे पहले, जो क्या होगा मेरा एज या फिर मैं दिस को इसके अंदर टाइप करना चाहता हूँ, आई विल राइट ग्लोबली, ठीक है जी का मतलब ग्लोबली टाइप करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं मैच करूँगा, एक वेरिएबल और क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं रेस इक्वल टू जो मेरा str है सिंपल डॉट मैच हो जाए, ठीक है इसके अंदर जो मेरा पैटर्न जो वेरिएबल है उसको मैं डिज़ाइन कर दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉक करूँगा रेस को, ठीक है कंसोल डॉट लॉक करना था सॉरी कंसोल डॉट लॉक करूँगा मैं किसको रेस को, ठीक है। और अभी इसके अंदर ये मैंने रेस इसको मैं क्या कर दूँगा सिंपल str प्रिंट कर दूँगा, ठीक है। और राइट चलिए देखते हैं हमारे आउटपुट के अंदर क्या मिलता है हमको, देख सकते हैं दिस इज द कूल एंड दिस इज द गुड डे, जो मेरी स्ट्रिंग थी वो मुझे प्रिंट str के अंदर मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, लेकिन मैं क्या मैच भी कर रहा हूँ कि दिस कितनी बार पर इसके अंदर मैच हो रहा है, ठीक है कितनी बार वो मैच हो रहा है, दो बार वो मैच हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, एक तो ये दिस रहा और एक ये वाला दिस रहा, तो ग्लोबली इसको मैच कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे आई करते तो वो मैच नहीं होता गाइज, देख सकते हैं अभी वो मैच नहीं होगा, ये पूरा मतलब दिस इज द मतलब एक बार ये इसकी एक लेंथ है, लेकिन यार मैं ग्लोबली इसको टाइप कर दूँ तो ये दो बार मुझे प्रिंट करके दे देगा, आप देख सकते हैं दो बार मुझे प्रिंट करके दे चुका है। तो एक ग्लोबली का हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है मल्टी लाइन मैचिंग की, तो वो क्या इसको हम प्रिफर करते हैं एन से, ठीक है तो वो क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले इसका आउटपुट देखते हैं, इसको हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो ऑल राइट गाइज मैं इन सारे डेटाज को क्या कर देता हूँ डिलीट कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया किया परफेक्टली, यार मैं डिलीट नहीं करता हूँ, इसके अंदर आपको सिंपल बता ही देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है
वन सेकेंड, जो मेरा पैटर्न है ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक मैं इसके अंदर दिस को मैं कंट्रोल से प्रेफर कर दूँगा ठीक है। तो शिफ्ट प्रेस 6 किया मैंने, अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर मैं एम टाइप कर देता हूँ मल्टी लाइन ठीक है। अब जो मेरा पैटर्न है उसको मैं रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि मुझे क्या इसका रिजल्ट मिलता है। ऑल राइट रिस्पेक्ट, ऑल राइट गाइज, आप देखिए दिस इज़ द कूल डे, दिस इंडेक्स इतना है, दिस इज द, ये आपको कुछ अनडिफाइंड डी मिल रहा है। तो ऐसे आप इसका मल्टी लाइन दिस का यूज आप यहाँ पे दिस देख सकते हैं। यार मैंने मल्टी लाइन का यूज़ किया तो इसके अंदर मेरी जो भी करेक्टर था उसको मल्टी लाइन कर देगा। बेसिकली मल्टी लाइन कुछ है नहीं इसके अंदर, तो ये एक लाइन को ही प्रिंट कर दे रहा है, देख सकते हैं आप ठीक है। तो ये हमारा मल्टी लाइन होता है। अभी हम बात करते हैं कुछ पैटर्न्स की, पैटर्न्स कैसे डिफाइन कर देते हैं हम ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है गाइस, देखिए सिंपल, अगर मैं एक काम करूं इस पूरे यहां तक के डेटा को मैं डिलीट कर दूं ठीक है। अब मैं क्या करूं, सबसे पहले एक वेरिएबल लूं जिसको नाम दूं मैं पैटर्न ठीक है, इक्वल टू मैं क्या करूं इसके अंदर जो भी मेरा आई है इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूं, आई विल राइट इन ग्लोबली ठीक है। जी को मैंने प्रीफर कर दिया तो ग्लोबली मुझे यहाँ पे करना है। मैं काम करूँगा वेरिएबल लूँगा रेस ठीक है, इक्वल टू जो मेरा एस टी आर है डॉट, एक मेथड होता है फंक्शन होता है मैच, जिसके अंदर में मेरा पैटर्न है उसको मैं क्या कर दूँगा इस पैटर आर ई एन परफेक्टली ठीक है। मेरा काम कंप्लीट। अब मैं कंसोल डॉट लॉक कर दूँगा सिंपल रेस को, पहले मैं कंसोल डॉट लॉक करूँगा किसको एस टी आर को ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सिंपल रेस को ठीक है। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलता है। और राइट गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, आई को मैंने ग्लोबली प्रिंट किया। तो आई इसके अंदर कितनी बार है, इस ये जो मेरा स्ट्रिंग है बेसिकली जो मेरा सेंटेंस है इसके अंदर आई कितनी बार है, वो जितनी बार भी है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है ठीक है। तो एक ये एक दो ठीक है, तीन और चार, परफेक्टली चार बार मेरा आई है। तो मेरे पास चार मुझे आई यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं ठीक है। अभी गाइज मैं क्या करूँ, मान लो मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स प्रिंट करने हैं, जो मेरा ये सिंटेक्स है ये करेक्टर है इसके अंदर मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं। चलिए मैं स्क्रैच से कर लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं नम इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। मैंने कुछ यहाँ पे नंबर टाइप कर लिए, लेकिन मैं क्या करूँगा इसको एक स्ट्रिंग के तौर पर रख देता हूँ मैं ठीक है। ये मेरी एक स्ट्रिंग होने वाली है ठीक है, और राइट ये मेरी एक स्ट्रिंग होने वाली है परफेक्ट। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं एक पैटर्न डिज़ाइन कर लेता हूँ भाई, मुझे वो पैटर्न डिज़ाइन करना है ठीक है। तो आई रेड पेट कुछ भी लिख दीजिएगा आप, ऐसा कुछ नहीं, वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। जो मेरा नम है ठीक है डॉट, एक फंक्शन होता है मैच करके, जिसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो मेरा इसके अंदर गाइज मुझे नहीं करना था, बेसिकली मुझे यहाँ पे पैटर्न डिज़ाइन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आई राइट पैटर्न डिज़ाइन करना, तो मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मुझे 1 से लेकर 6 तक के नंबर हैं वो प्रिंट हो जाए ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा ग्लोबली प्रिंट करना चाहता हूँ ठीक है। और राइट, तो मैंने इतना मेरा काम कम्प्लीट हो, वेरिएबल रेस इक्वल टू इसके अंदर मेरा रिजल्ट होने वाला है, आई राइट अगेन नम के अंदर डॉट मैच, मैच एक मेथड होता है फंक्शन होता है, जिसको मैं क्या करूँगा सिंपल पेट इसके अंदर पास कर दूंगा। और मैं कंसोल डॉट लॉक करूंगा पहले नम को ठीक है, भाई मेरे नंबर है प्रिंट हो जाए, और जितने मैं नंबर इसके अंदर निकालना चाहता हूँ, मान लो अरे इसके अंदर वो सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा वहाँ पे निकल जाएगा। चलिए चलते हैं एक बार इस रिफ्रेश करते हैं देखते हैं। तो ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं मेरे इतनी टोटल वैल्यू है 1 से लेकर 9 तक ये वैल्यू है ठीक है, लेकिन ये मैंने 6 नंबर इसके अंदर प्रिंट कर दिए हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि इसको 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स है वो प्रिंट हो जाए, 1 2 3 4 और 6 तक ये प्रिंट हो रहे हैं, इससे 6 से निकल गए हैं। तो ऐसे हम डिजिट्स के साथ खेल सकते हैं ठीक है। अभी बात करते हैं यार इसके कुछ मेटा करेक्टर्स के बारे में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मान लो ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, मान लो एक वेरिएबल है और यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, और यहाँ पे मुझे दे रखे हैं 60 नम
मेरे पास कुछ है 60 नंबर, मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है, लेकिन वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। 60 आई विल राइट अगेन नंबर, 60 मेरे पास नंबर दे रखे हैं परफेक्टली। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको मुझे, मतलब जितने भी मेरे नंबर हैं उसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है और मुझे इसको देखना है। तो यार मैं एक वेरिएबल करके पैटर्न डिज़ाइन कर लूँगा, ठीक है, इक्वल टू। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये आपको पैटर्न डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब जब भी आप डिजिट्स को फाउंड करते हैं तो आपको स्लैश डी डी की सो आपको प्रिंट करना है और ग्लोबली मुझे टाइप कर देना है परफेक्टली। आई राइट वेरिएबल, ठीक है, अगेन रेस इक्वल टू नम डॉट मैच, ठीक है, वन सेकेंड, नम डॉट मैच, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या टाइप करूँगा, जो मेरा ये वाला पैटर्न है उसको मैं डिज़ाइन कर दूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉक करूँगा नम को, नम को मैंने डिज़ाइन किया तो मुझे ये वाली स्ट्रिंग मुझे प्रॉपरली मिले, 60 नंबर मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, मिल गया। लेकिन मैं अभी जो भी मैंने चलाया है उसको मुझे डिज़ाइन करना है, तो आई विल राइट अगेन कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरा रेस है इसको मुझे डिज़ाइन कर देना है, ठीक है। आई विल राइट अगेन रेस 3-2-1 एक्सीलेट। क्या किया मैंने, आप देख सकते हैं जो मेरा 60 है, ठीक है भाई, इसके अंदर मैंने, मैं जितने भी डिजिट्स हैं इस स्ट्रिंग के अंदर उसको मुझे निकालना है, चाहे कितने भी हो। मैं मान लो कुछ भी लिख दूँ तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो जाएगा ये कुछ ऐसा, ठीक है। मैं अभी दो लिखता हूँ आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो देखिए 60 नंबर मेरी एक स्ट्रिंग है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से मेरी जितने भी नंबर हैं, मैं 60 हैं ऑब्वियसली, दो नंबर हैं इसके अंदर, दो, तो दो नंबर प्रिंट हो गए, एक मेरा 6 है और एक मेरा 0 है, जिसकी लेंथ कितनी है, 2 है। तो आप देख सकते हैं दो मेरी लेंथ है और मैंने नंबर को इजीली यहाँ पे निकाल लिया है। तो ऐसे मैं नंबर को भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो आप वाइट स्पेस को निकालना चाहते हैं तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम यही फॉर्मूला एज इट इज इसके लिए यूज होने वाला है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, डी के बदले एस का यूज़ करेंगे और वहाँ पे आपको वाइट स्पेस निकल जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एस टी आर इक्वल टू माई नेम इज, वन सेकेंड, स्पेलिंग बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो रही है, अंकित जांगिड एंड आई एम ए फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, ऑलराइट। तो मेरी ये कुछ स्ट्रिंग है, अब इसके अंदर मुझे वाइट स्पेस को काउंट करना है। तो मैं ऐसे नहीं कर सकता भाई, ये एक हो गया, ये दो, ऐसे नहीं कर सकता। मैं एक ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगा इसके अंदर और वो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ही लग सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं पैटर्न डिज़ाइन करूँगा सबसे पहले। बेसिकली ये इसका सिंटेक्स होता है, पहले पैटर्न डिज़ाइन करो और उसके अंदर आपको क्या लिखना है, मॉडिफायर लिखना है। तो आई राइट पैटर्न, ठीक है, इक्वल टू आई राइट, ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एस, ठीक है, और इसके अंदर एस ऐसे नहीं, एस आपको ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, और ग्लोबली मुझे चाहिए। तो आई राइट वेरिएबल रेस इक्वल टू जो मेरा एस टी आर है, इसके अंदर मुझे मैच मैं फंक्शन को कॉल करना और मैं पैटर्न इसके अंदर डिज़ाइन कर दूंगा, ठीक है। आई राइट कंसोल डॉट लॉक किया, अगर मैं यहाँ पे करूँ स्ट्रिंग को एस टी आर को, ठीक है, एस टी आर को मैं टाइप करूँ ऑब्वियसली, तो मुझे यहाँ पे माई नेम इज अंकित, ये मुझे स्ट्रिंग मुझे प्रॉपरली मिल चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे क्या चीज़ में से वाइट स्पेस को काउंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके रेस को प्रिंट कर दूंगा। तो रेस के अंदर वो सारी पावर है, ठीक है, 3-2-1 एक्सीलेंट, 11 मेरे वाइट स्पेस हैं, आप देख सकते हैं वो वाइट स्पेस मेरे पास काउंट हो चुके हैं। कितने इजीली गाइस हमने इसको क्रिएट कर लिया है, आप देख सकते हैं खुद ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के ऑब्जेक्ट्स की। तो एक टेस्ट होता है, एग्जेक हो गया, ठीक है, तो वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। पहले बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट क्या होता है, द टेस्ट मेथड इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड, ऑब्वियसली इट सर्च ए स्ट्रिंग फॉर ए पैटर्न एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, तो चलिए गाइस हम टेस्ट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं क्या करूँगा, एचटीएमएल की जो बॉयलर प्लेट होती है इसको डिज़ाइन कर लूँगा और यहाँ पे मैं एक H2 लूँगा, उसके अंदर मैं क्या दूँगा, आईडी दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल डेमो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँगा दिस इज़ द
हेडिंग एच ए डी आई एस हेडिंग टू परफेक्टली और राइट। इसके नीचे मैं जैसे स्क्रिप्ट टैग का यूज करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा एक वेरिएबल लूँगा ठीक है टेक्स्ट ठीक है आई विल राइट टेक्स्ट सिंपल इक्वल टू मैं क्या करूँगा इस आईडी को कॉल करूँगा तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड आई विल राइट अगेन डेमो ठीक है। लेकिन डेमो वो एक स्ट्रिंग के तो यहाँ ऐसे यूज़ करनी पड़ेगी परफेक्टली और राइट मेरा इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है ठीक है। इतना मेरा काम इजीली मैंने हैंडल कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि एक मैं वेरिएबल डिज़ाइन करूँ जिसके अंदर मैं क्या लिखूँ जैसे रेस इक्वल टू आई विल राइट पैटर्न डिज़ाइन करूँ सबसे पहले तो मैं ठीक है तो मैं एक पैटर्न डिज़ाइन कर लेता हूँ ए और इसके अंदर मैं क्या करूँगा डॉट टेस्ट का यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूँगा सिंपल टेक्स्ट को प्रिंट कर दूँगा ठीक है। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मेरे रेस को ठीक है देखते हैं क्या आता है। तो गाइज एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं इसको चलाने से पहले वो एक टेक्स्ट है ठीक है तो टेक्स्ट को मैं प्रिंट कर देता हूँ तो यार आप देख सकते हैं वो टेस्ट पूरा प्रिंट हो चुका है दिस इज़ द हेडिंग टू और वो मेरे सा पूरा उसकी आईडी वो प्रिंट हो चुकी है। लेकिन यार मैं चाहता क्या हूँ यहाँ पर सबसे पहले आके देखिए टेस्ट में क्या कर रहा हूँ सिंपल यहाँ पर मैं रेस को प्रिंट करूँ देखिए इसका मतलब क्या है इस कोड का इस रेस के अंदर जो भी है देखिए मैं एक एस टू ले रखा है मैंने इसके अंदर आईडी दे रखी है डेमो दिस इज़ द हेडिंग टू इसके अंदर कुछ टेक्स्ट है ठीक है इसके अंदर टेक्स्ट है लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है मेरा ठीक है क्या ये एक्चुअल टेक्स्ट है पहले मुझे इसकी आईडी फैच करनी पड़ेगी तो आईडी इसकी मैंने डेमो दे रखी है तो इसको मैंने फैच किया इन जावास्क्रिप्ट ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा एक वेरिएबल और डिज़ाइन किया है लिया है और इसके अंदर मैं क्या चेक कर रहा हूँ टेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये स्ट्रिंग है या नहीं है जो भी ये मेरा वेरिएबल है मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि ये मेरे स्ट्रिंग के अंदर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो ये जो रेस है इसकी वैल्यू क्या कर दो वहाँ पे ट्रू कर दो और राइट देखते हैं इसका ट्रू आता है या नहीं आता है और राइट गाइस देखते हैं वो ट्रू आ रहा है तो मतलब मेरी कंडीशन यहाँ पे परफेक्ट है। तो अभी मैं आज ये चीज़ करूँ मतलब इसके अंदर कुछ नंबर्स प्रिंट करूँ तो अभी क्या आएगा अभी भी ट्रू ही है क्योंकि कुछ टेस्ट तो है ही उसके अंदर टेक्स्ट रखा है उसके अंदर तो दिस इज द एज इट इज़ वो लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर रेस को लिख देता हूँ तो वो क्या आएगा ट्रू ही आएगा। तो ऐसे गाइज आप टेस्ट मेथड का यूज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एग्जैक्ट मेथड के बारे में कि एग्जैक्ट मेथड क्या होता है। द एग्जैक्ट मेथड इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड्स इट सर्च स्ट्रिंग फॉर स्पेसिफाइड पैटर्न्स एंड रिटर्न्स द फाउंड टेक्स्ट एज ऑब्जेक्ट इफ नो मैच इज नो फाउंड इट रिटर्न्स एन इम्पर्टिनल ऑब्जेक्ट्स ठीक है। तो ये क्या करता है और इसका फ़ायदा क्या है सिंपल एग्जैक्ट मेथड बेसिकली करता क्या है ये हम लोग को देखना है ठीक है। तो आज इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो क्रिएट कर दूंगा ठीक है और वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट टू रहने वाला है ठीक है। ये पार्ट वन था और इस वीडियो के अंदर आपको कुछ मेथड्स पता चल गए होंगे और वो ही मेथड्स थे जो आपको आपकी डिज़ाइनिंग के अंदर जो भी आप डेवलपिंग करेंगे ठीक है और कोड लिखेंगे वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। तो आई होप गाइज आपको रेगुलर एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही सो थैंक यू गाइज सो मच टेक केयर बाय बाय।